नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में जो कुछ और जो डिटेल्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और वीडियो को भी लाइक कर दें। इस वीडियो में मैं आपको आपके एक तो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड जो चेंजेस किए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, और साथ में आपके जो हैं कुछ अक्टूबर एग्ज़ाम के डिटेल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। अभी आपके जो डेट शीट है वो रिलीज़ करने के बाद भी काफ़ी बच्चों को जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक ना तो उनकी बुक्स पहुँची हैं जिसकी वजह से वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ना ही उन्हें अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मालूम है। क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न जो है CBSE का तो चेंज हो चुका है, लेकिन INOS का चेंज नहीं हुआ। तो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, और साथ में जो आपके डिटेल्स हैं INOS की तरफ से, फिर वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, CBSE टू कंडक्ट टर्म 1 बोर्ड एग्जाम फॉर क्लासेस 10th एंड 12th इन ऑफलाइन मोड इन नवंबर दिसंबर। मतलब ये तो कंफर्म है कि जो CBSE की तरफ से भी जो आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे वो भी आपके जो हैं ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे। आपके इस CBSE की तरफ से भी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि INOS के होने वाले हैं, ये भी नवंबर दिसंबर में होंगे जबकि INOS के होंगे। और साथ में जो इन्फॉर्मेशन है CBSE की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ देख सकते हैं आपके, द एग्ज़ाम्स विल बी इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशंस ईच। मतलब आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे CBSE की तरफ से वो आपके 90 मिनट्स के होंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब MCQ टाइप आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कोई भी आपका ना सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके सारे एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए MCQ टाइप मिलेंगे। आप एक ऑप्शन चूज़ करना है जो भी सही होगा, और उसी से आपका जो है मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। ये सिर्फ 90 मिनट का पेपर होने वाला है, पहले जो है टाइम ज़्यादा दिया जाता था, अब सिर्फ 90 मिनट में आप अपना क्वेश्चन करके जो CBSE की तरफ से इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वो आराम से आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। ये थी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम की तरफ से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप CBSE की तरफ से होने वाले हैं, लेकिन INOS की तरफ से इसकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। INOS जो है अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस करेगा या नहीं करेगा, कि वो भी अपने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप लेगा या फिर सब्जेक्टिव टाइप लेगा। मैक्सिमम चांसेस जो INOS की तरफ से बनते हैं कि वो सब्जेक्टिव टाइप ही ले जाएंगे, और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उनके बारे में अभी INOS ने कुछ सोचा नहीं है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड आपके INOS की तरफ से, आपको इस चैनल पर ज़रूर से पता चलेगा। कोई भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर पता चल जाएगी। साथ में आपको मैं अभी बता देता हूँ जो आपके INOS की तरफ से अक्टूबर एग्ज़ाम की जो एक्स्ट्रा डिटेल्स, जैसे कि सबसे पहले जो आपका हॉल टिकट है वो आपके एक हफ्ते पहले रिलीज़ किया जाएगा आपके एग्ज़ाम से। क्योंकि ये चीज़ मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे अभी भी जो कमेंट बॉक्स में और साथ में मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं, सर हमारा एडमिट कार्ड अभी कब रिलीज़ होगा, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में भी यही बता रहा हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, वो आपका एक हफ्ते पहले रिलीज़ किया जाता है। साथ में आपके जो बुक्स हैं, अगर आपके पास अभी तक बुक्स नहीं पहुंची हैं, तो आप जो है अपने रीजनल सेंटर पर जाकर इसके लिए बोल सकते हैं। आप अपने रीजनल सेंटर्स पर जाइए, वहाँ पर जाकर आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी बुक्स अभी तक कहाँ पहुंची है, और अभी तक आपको जो है आपकी बुक्स क्यों नहीं मिली है। अगर नहीं भी मिली है तो आप अपनी बुक्स कहाँ से ले सकते हैं ऑफलाइन जाकर, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके रीजनल सेंटर से मिल जाएगी। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके INOS के अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स के लिए अभी निकल कर आई है। जो भी बच्चे जो अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी नए बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी जो डेट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है आपकी अप्रैल 2022 के एग्ज़ाम के लिए। आप ज़रूर से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि वो नवंबर तक चलेगी, क्योंकि वो आपकी जो है अप्रैल 2022 के सेशन की रजिस्ट्रेशन। तो जिसको भी अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, वो ज़रूर से जाके INOS के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कोई भी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है INOS की तरफ से, कोई भी अपडेट आती है, आपको इस चैनल पर ज़रूर से मिलेगी। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।